तो दोस्तों आपको सिंपल सा वीडियो पूरा देखना, पूरा यदि आप वीडियो देखते हैं तो मैं एनालिटिक चेक करता हूं और यहां पर देख सकते हैं 1000 रुपए का फ्री पेटीएम का स्किप वे आपको दे दिया जाएगा, जो कि यहां पर प्रूफ के साथ दे सकते हैं। मैंने जो भी ये 19 फरवरी को दिया था 1:24 पर टोटल 1000 रुपए। उसके अलावा गाइज आपको मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूं, आप देख सकते हैं तो वीडियो पूरा देखना। यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपए का मैंने ये 18 फरवरी को ये देख सकते हैं 1:13 पर मैंने 1500 रुपए दिया था। जो भी फुल वीडियो वॉच करेगा उसे यहाँ पर 100% मिलने वाला है, कोई भी स्किप मत करना। जिसका भी यहाँ पर मैंने देखा कि किसी का भी स्किप है तो उसे यहाँ पर गाइस नहीं मिलेगा। और आप यदि वीडियो फुल देख लेते हैं, दोस्तों में शेयर कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो आपको अपने पेटीएम नंबर से कमेंट्स करना है। कमेंट में आपको यहाँ पर 500 रुपीज, 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज तो आपको यहाँ पर मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1000 रुपीज यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मिल चुका है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, 500 रुपीज का फ्री पेटीएम का आपको दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको लेटेस्ट अप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को क्लिक कर। तो आज की जो लूट वीडियोज में आपको देने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा कमाल की एप्लीकेशन होने वाली है। इंस्टेंट आपके सामने स्क्रैच कार्ड्स आएंगे, स्क्रैच कार्ड्स को आपको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी पेटीएम कैश मिलेगा उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विथड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा दूं, यदि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हैं तो आपको गाइज यहाँ पर हर तीसरे से चौथे दिन आपको यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, हर 3-3 दिन पर स्क्रैच कार्ड मिलेगा। तो उस स्क्रैच कार्ड में आप कुछ भी अमाउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन में यहाँ पर करता हूँ क्लिक और देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम बिजली है। तो यहाँ पर गाइज आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको इस एप्लीकेशन में पूरा देखना है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेथड है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट में देख सकते हैं 9 रुपीज है और यहाँ पर मैं स्क्रैच करता हूँ। स्क्रैच करने के बदले गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 2 रुपीज मिल चुका और यहाँ पर ये देखेंगे 11 रुपीज हो चुका, ठीक। अब गाइस ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर बिजली ऐप से आप पैसा कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत है, यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो रिडीम एज गोल्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है, डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो भी मेरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है वो अभी आपको दिखाता हूं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा गोल्ड है वो हो चुका, अब इसे अब मैं कैसे निकालूंगा अपने बैंक अकाउंट में। तो इसको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जो सेविंग्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर विथड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो वो विथड्रॉ वाला ऑप्शन आप कैसे लाएंगे उसके लिए आपको मैं भी बताया देता हूँ सिंपल से आपको कैसे लाना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आपके पास विथड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप यहाँ पर 10 रुपीज का मिनिमम एक बार विड्रॉल कर लेंगे तब आपके पास आ जाएगा विड्रॉल, सॉरी यहाँ पर आपको रिचार्ज करना है 10 रुपीज का। यहाँ पर सेव नाउ वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे पास टोटल कितना है 10 रुपीज 58 पैसा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव नाउ वाले ऑप्शन पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंटर ये इतना ग्राम सारा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 10 रुपीज वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपीज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर 10 रुपीज का भी देखना है एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उस स्क्रैच कार्ड में भी जो भी अमाउंट मिलेगा वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो सेव नाउ वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर गाइज वेट करना है आपको। वेट करने के बाद गाइज आप कहाँ से पैसा एड करना चाहते हैं, पेटीएम अमेजन, तो मैं क्या करता हूँ इस पर पेटीएम वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करने के बाद जो भी मेरा पेटीएम है उस पर मैंने ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आने वाला है। तो आप ये पैसा कहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट पूरा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो अपना सेंट्रल बैंक से वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पे नाउ वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आप देखना कि यहाँ पर मेरा जो भी वॉलेट का जो भी विथड्रॉ वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद गाइस यहाँ पर सिंपल सा थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जैसे 10 रुपीज ये कटेगा एक स्क्रैच कार्ड मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुली हो चुका है। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक लोडिंग लगा, आपको यहाँ पर थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है।
देन आपके सामने कुछ गाइस इस तरह से आएगा रिटर्न टू, ये सब कुछ आएगा और यहाँ पर देखते हैं आपके सामने एक स्क्रैच कार्ड आ चुका है। तो देन आपको इस स्क्रैच कार्ड पर आपको क्लिक करना, देखना अभी 10 रुपीज मैंने ऐड किया, 10 के बदले कितना यहाँ पर अमाउंट होगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रैच करता हूँ, शायद कम से कम 5 रुपीज तो यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर 1 रुपीज आया, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। देन अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट सेविंग एज लो अर्न स्क्रैच कार्ड एवरी टाइम। तो यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर कुछ पैसा यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 20 रुपीज हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं विथड्रॉवल ऑप्शन भी शो हो चुका है और मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर कितना आ चुका है 10 रुपीज। मैं विथड्रॉवल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, जो भी आपका गोल्ड होगा वो आपको डाल देना। तो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 रुपीज का और यहाँ पर मैं विथड्रॉवल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो भी मेरा यूपीआई आईडी है वो क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी आप क्लिक कर सकते हैं, ट्रांसफर टू अकाउंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ट्रांसफर टू अकाउंट करेंगे ये देख रहे हैं ये आपका ट्रांजेक्शन हो चुका सक्सेसफुली, रिटर्न टू सेविंग लाइफ वाले मैं ऑप्शन पे जाता हूं। देन यहां पर देख रहे हैं अब 10 रुपीज बचा, ये 10 रुपीज आप कल निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने पेटीएम अकाउंट पर। पेटीएम अकाउंट पर मैं आपको इसका जो भी पेमेंट है वो लाइव निकाल के चेकआउट कराने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देख लेना, इसके मत करना, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो इंस्टेंट है। बिजली ऐप से आप, बिजली ऐप जो है उससे आप पैसा कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर लाइव चेकआउट करा के दिखा दिया है। तो सिंपल सा थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना और यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपीज पेड कवर ये हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी जिसका जो पेमेंट है वो अभी आया नहीं, बट इसका इंस्टेंट पेमेंट आता है। तो गाइस इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने सेंट्रल बैंक का जो भी वो अकाउंट लगाया था इसलिए पेटीएम पे नहीं आया। यदि मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का लगाता तो इसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 35,010 रुपीज था तो उसके बाद मैंने 10 रुपीज ऐड किया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 35,010 रुपीज यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। तो हाँ देख सकते हैं गाइस यहाँ पर 35,010 रुपीज है जो कि इंस्टेंट पेमेंट इसका गाइस रिसीव हो चुका है।